No, take it. Take it. अभी हम निकल चुके हैं थोड़ा मार्केट निकलते रहते हैं हम। ये कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये फूल है, ये करालियों के फूल, इनकी बनती है कतलू जिला। गोवा खड्ड ब्रिज कहते हैं, गोवा खड्ड पानी करो ऊपर, इतना खतरनाक मोड है ना। और ये है इतना छोटा कटोरा है मेरे पापा यहाँ पे इतनी बार गिरे हैं ना स्कूटर लेकर। अरे यार मम्मी ने चलांग मार दी थी, मम्मी चलांग मार दी। क्या मेरे को तो वैसे ही लग रही है कटिंग, क्या कटिंग कराई है, चल बेकार से। ये पपरोड़ा मार्केट, कटिंग कराई, देखो कटिंग देखो जरा इसकी। हमारे एक शॉप में तो यहाँ पे अभी हमें एक्चुअली क्या इनविटेशन, एक्सीडेंटली इनविटेशन आ चुका है हमें, एक्सीडेंटली क्या। और यहाँ पे ना हम एक गिफ्ट दे रहे हैं, एक हमारा पैक हो गया, एक पैक हो गया मैंने, ये देखो इससे लगे हुए हैं, 20 मिनट हो गया। तो भैया बूढ़े अंकल जी इतने प्यार से आराम से पैकिंग कर रहे हैं, उनको देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। उन्होंने कम से कम तीन वो लगा दिए हैं उसमें पैक करने में। एक तो पैक हो गया, दूसरा पैक हो रहा है, इतनी टेपें लगाई है ना, इतनी टेपें लगाई है ना, पर अच्छा लग रहा है। सामान खरीद लिया है, पकौड़े से निकल गए हैं और बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, और आज आज घर जाके बनेगी धाम और वो धाम खाएंगे, तो जल्दी से निकलते हैं यार क्योंकि ख़त्म होने वाले मेरे को लग रहा है। तो मिलते हैं आपको सीधा धाम में। सो अभी धाम हो गई है, धाम क्या बोलूँ मैं, जग था वो। अरे जग धाम ही थी ना, जग पर मैं कहता हूँ मस्त थी यार, मैंने खाई है काफ़ी, मंडियाली भी खाई है, बट ये मेरे को ज़्यादा सही लगी आज कांगड़ी धाम, अच्छी थी। बहुत ज़्यादा खा लिया, अभी रेस्ट करते हैं यार, फिर एक और प्रोग्राम में जाना है, क्या वहाँ पे भी शूट कर पाता होगी ना, अभी तो फिलहाल तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, शर्म बहुत आ रही है यार, क्या करूँ। अभी थोड़ा टाइम लगेगा यूज़ टू होने में, बट करूँगा, जल्दी करूँगा सबके सामने। तो चलो रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पगू, पगू। जी तो चाट रहा है मुंह में, ये क्या है यार, नो नो बगे। अच्छा गिव मी पो, पैसे मुंह में लगे कान जाके। अच्छा गिव मी पो तो दे दे, ओए बंदू गिव पो ट्रीट नहीं बंदू देना, विच वन ट्रीट, नो ट्रीट, नहीं ट्रीट, इतना सी ना, किसको पता लग जाए कहाँ गई थी कहाँ गई थी। देखी चल अंदर जाके इसका वो खोल दो, गले से खोल दो इसको। नहीं अब तो बैठेगा सब करेगा, गिव मी पो हेड डाउन कर लिया उसने। क्या है ये पत्थर है, हाँ ये टूटेगी नहीं, जोर से चलो इसको बोलो नो टेक इट। आपने ऐसे किया वो आपको गिव मी पो देने वाला था, गिव मी पो आप नहीं देगा, आप भूल जाओ गिव मी पो तो आपने दे दिया उसको। विच वन, ऐसे करो आगे कर रहे हो, विच वन नो, अब पीछे जाओ दोबारा कर दूं। Which one? No. कुछ भी नहीं आया, तुक्का लगा था मुझे पता लग गया। Which one?
ये सुना रहा है कि सही है। Another one. क्या खराब होगी? तो ये है दीक्षा का। क्या बोलना चाहते हो? ये कुत्ता है, ये नो इसको कुत्ता नहीं है ये। सॉरी, इसका नाम है बगा और ये गद्दी कुत्ता है ना। ये तिब्बतन मैस्टिफ में आता है ये शायद ना। और ये काफी लॉयल होते हैं। ये अगर इसको खिलाओ पिलाओ तो ये काफी सांड बन जाता है। सांड क्या होता है? भालू। भालू की तरह बन जाता है। बट इस कुत्ते में ना इतनी एबिलिटी होती है, ये शेरों को ना अपने जो गद्दी होते हैं ना वो बकरियां पालते हैं, तो उनको मेरे शेर जो भी होते जानवर उनसे प्रोटेक्ट करता है। इतनी इसमें पावर होती है। इसको एक और ट्रेन शेपर्ड डॉग भी बोलते हैं इसको। तो फर देखो कितना मोटा है। देखो बाल कितने अच्छे हैं इसके, बाल की क्वालिटी है। ये अगर इनको आप प्लेन में रखोगे तो वहां पे नहीं रह पाएंगे। सो धाम खाने के बाद हमें बहुत ही प्यारी सी नींद आई और उसके बाद हमें जाना था एक फंक्शन पे। फंक्शन क्या था कि दीक्षा के छोटे मामा ने अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया है और उनके होटल की ओपनिंग सेरेमनी थी और ये होटल बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे है। अगर आप पालमपुर आ रहे हो घूमने, अगर घूमने फिरने आ रहे हो तो प्लीज़ इस होटल में जाइए, विज़िट करिए। बहुत ही अमेजिंग स्टाफ है, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे है। अगर आप पालमपुर से हो, बैजनाथ से हो, अगर आपको कोई केटरिंग का काम करवाना है, कोई इवेंट्स करवाना है, तो प्लीज़ मस्ट कॉन्टैक्ट। तो हम पहुंच चुके हैं बहुत अच्छी लोकेशन में। पीछे देखो, क्या सही लग रहा है। पीछे पहाड़, पीछे नदी। नवरात्रों में जो पूजा का जो सामान बच गया था उसको हम नदी में प्रवाह कर रहे हैं। बट हम कोशिश करेंगे इसमें पॉलीथीन कोई भी ना फेंके, ऐसा सामान ही फेंके जो डिकम्पोज हो जाए बहुत इजली। ठीक है, तो लोगों ने काफ़ी सामान फेंका, देखो कैसे पॉलीथीन फेंके हुए। वो सामने पहाड़। अभी तो गर्मियों का सीज़न है, विंटर्स में पूरी बर्फ़ होती है यहाँ पे। दीक्षा जी फेंक रही है। दीक्षा जी खाना खिलाते हुए मछलियों को। यार मछलियाँ थी कितनी बड़ी बड़ी हैं। ओह माय गॉड, ओ देखो कैसे गंद पाया हुआ है।